चलिए रिका कहा है इसने, चैप्टर का नाम दिया है पेज फॉर्मेटिंग। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे आपकी मैथ की नोटबुक होती है 6, 7, 8 में, सभी नोटबुक में ऐसा लिखा जाता है, ऐसे होगी नोटबुक या बुक ऐसा लिखा जाता है। लेकिन कुछ नोटबुक ऐसी हैं या फिर कुछ बुक्स ऐसी जिनमें ऐसा हो जाता है पेज पे ऐसा लिखा जाएगा, टेढ़ी लाइन नहीं होती, सीधी होती है, पेज का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ओके, तो क्या कहा है इसने, इंट्रोडक्शन दिया है, इंफॉर्मेशन इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज स्टोर फॉर्म ऑफ पेज। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम वर्ड में स्टोर करते हैं वो पेज पर होती है। इनके हमारा मेन जो वर्क होता है वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को बनाना ही होता है। इसको बंद करो बेटे, ठीक है। उसने कहा है सो बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग एनीथिंग योर डॉक्यूमेंट्स, टाइपिंग करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं उससे पहले क्या है, इट नेसेसरी टू सेट द पेज फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम पेज का फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। अब फॉर्मेट में आता क्या क्या है आपका, लाइक इट्स साइज, यानी कि पेज का साइज क्या रहना चाहिए, लेटर साइज A4, A5, और आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बोलते हैं पेज का जो डायरेक्शन होता है, यानी कि फिलहाल पेज ऐसे ऐसे लिख रहे हैं और फिर ऐसे भी हो जाता है, ये ओरिएंटेशन में आता है। उसके बाद यह है सो वी कैन गेट द डॉक्यूमेंट्स आउटपुट इन द डिजायर्ड मैनर, और जो हमें आउटपुट मिलता है एक मैनर में मिलता है, डिजाइन मैनर में मिलता है जब हम प्रिंटर से उसे प्रिंट आउट करते हैं। ऑल तो डेस्क सेटिंग कैन बी मॉडिफाइड एनीथिंग इवन आफ्टर टाइपिंग यू डॉक्यूमेंट्स बट दिल विल लीड टू चेंज एडजस्टमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेंट। जरूरी नहीं कि आप टाइपिंग करने से पहले ही सेट करें, आप टाइपिंग करके भी पेज का ओरिएंटेशन, पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं कंप्यूटर में, ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। चुप रहो, तो देखिए हेडिंग दी है पेज ओरिएंटेशन। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक्स्ट्रा बातें नहीं, फ्री नहीं है। पेज ओरिएंटेशन के बारे में बात हो रही है तो कैसे हम पेज ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, इसमें क्या होगा, स्पेलिंग गलत है शायद, कोई बात नहीं समझ लीजिए। द ओरिएंटेशन ऑफ पेज इज द डायरेक्शन, पहले ही बताया मैंने डायरेक्शन, यानी कि पेज का डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, विच इज डिस्प्ले ऑन और प्रिंटेड, जो दिखाता भी हमें, यानी कि अब कंप्यूटर पे जब हम काम कर रहे होते हैं तब भी हमें उसका प्रीव्यू मिल जाता है, और जब हम उसको प्रिंट करते हैं तब भी इसका प्रीव्यू हमें आसानी से मिल जाता है। दे आर द टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, दो टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं। ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है, जो आपकी बुक फॉर्म में लिखा हुआ है ऐसे, अगर आप इसे घुमा दोगे ऐसे कर देंगे लिखा हुआ ऐसे आएगा, ये हमारा लैंडस्केप फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ें आप जब वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तब भी देख सकते हैं, और काम करने के बाद जब आप प्रिंट आउट करेंगे पेज पर, जब प्रिंट आएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका पेज किस डायरेक्शन में टाइप किया गया है। इन द पोर्ट्रेट द हाइट ऑफ ए पेज इज लॉन्गर देन द वाइड, पोर्ट्रेट फॉर्म में हाइट ज़्यादा होती है और वाइड पेज कम होता है हमारा। इन द लैंडस्केप द वाइड ऑफ पेज लॉन्गर, और लैंडस्केप में उसकी वाइडनेस ज़्यादा होगी और देन द हाइट, और हाइट क्या होगी कम होगी। डिफरेंस दिया है, आप बुक में भी देख सकते हैं, जिनके पास है वो देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्या दिया है, टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन, अगर हमें पेज ओरिएंटेशन को चेंज करना है तो कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे, उनको हम फॉलो करके चेंज कर सकते हैं। स्टेप वन दिया है क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, कहाँ क्लिक करेंगे हम, जैसे हमारे कंप्यूटर में होम टैब होती है,
होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, व्यू, रिव्यू, इतने सारी टैब्स है हमारे पास जब हम वर्ड यूज़ करते हैं। जैसा आपने किया भी है, लैब में तो गए हो ना, वर्ड यूज किया है सबने। तो सबसे ऊपर टाइटल बार के जस्ट नीचे टैब्स होती है हमारी, इसमें होम टैब होता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग टैब हो जाएगी, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, इतनी सारी टैब्स होती है। तो हमें पेज का डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें जाना है होम टैब में। होम टैब पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम होम टैब पर क्लिक करेंगे, होम टैब में जितनी कमांड्स है वो सारी हमारे सामने आएंगी खुल के। उनमें क्या करना है हमें, स्टेप टू दिया है, क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन इन द पेज सेटअप ग्रुप। तो आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। स्टेप थ्री, चूज ए टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, और वहाँ से आप कोई भी टाइप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर लैंडस्केप में है उसे पोर्ट्रेट कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट में है लैंडस्केप में कर सकते हैं। वो प्रीव्यू आपको साथ के साथ ही दिखा देगा। नेक्स्ट चलेंगे, पेज पर क्या दिया है, फिर दिया है हमारा पेज साइज। अगर हमें अपने पेज का साइज चेंज करना है, देखिए प्रिंटर में जो पेज लगता है वो A4 शीट होती है हमारी, जिस पर फोटोस्टेट वगैरह होती है, अधिकतर हम A4 शीट का यूज़ करते हैं। लेकिन पेज साइज़ कंप्यूटर में आपका लेटर साइज हो जाता है, मार्जिन में आपका नैरो हो जाता है, A5 भी है, A3 भी होता है, बहुत सारे अलग अलग साइज अवेलेबल है कंप्यूटर में। आपने देखा भी होगा कुछ पेज काफ़ी बड़े भी होते हैं, जैसे आपकी TC अगर आपने ली होगी किसी स्कूल से, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा आता है नॉर्मल पेज से, ठीक है। ये पेज है, इसका साइज़ थोड़ा अलग है बुक वाले का, आपकी नोटबुक का जो पेज आता है उसका साइज़ अलग है। तो बहुत सारे साइज़ अवेलेबल है कंप्यूटर में, तो आप आसानी से कोई भी साइज़ सेलेक्ट करके अपने पेज को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, पेज साइज़ में देखिए, वी कैन चेंज द साइज ऑफ पेज ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द साइज ऑप्शन। अगर हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज का साइज़ चेंज करना है तो हम साइज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो चेंज ए पेज साइज़ क्या करना है, चेंज करने के लिए स्टेप वन दिया है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। फिर से आपको पेज लेआउट टैब में जाना है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बाहर जा सकते हो, नहीं तो चुप बैठो, मैं मारूंगा अलग से, गुस्सा मत दिलाओ। दूसरा दिया है स्टेप टू, क्लिक ऑन साइज, आपको ऑप्शन मिलेगा साइज का, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है। स्टेप थ्री, चूज ए साइज फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। जैसे ही आप साइज़ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, बुक में दी भी गई है लिस्ट, उसमें से आप कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, वही साइज़ आपके पेज पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था पेज साइज, समझ में आया यहाँ तक, दो चीज़ें हमने पढ़ी है, ओरिएंटेशन और साइज़, दोनों सिंपल है, पेज लेआउट टैब का ही यूज़ करना है, अभी दूसरी टैब में नहीं गए हैं, ठीक है। आगे दिया है पेज मार्जिन, अगर हमें पेज का मार्जिन चेंज करना हो, मार्जिन के बारे में पता है कुछ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बताना यार किसको पता है। हाँ, जैसे ये हमारा पेज का साइज है, मान लीजिए ये हमारा पेज है, हम चाहते हैं ऊपर से इतना छूट जाए खाली, आपके कंप्यूटर में भी ऐसे ही आता है, आपने टाइप किया होगा, राइट से इतना छूट जाए, सॉरी लेफ्ट से और राइट से इतना छूट जाए, और बॉटम से भी, तो केवल हम इतने एरिया में लिखें, तो मैंने हाईलाइट किया, ये पेज मार्जिन में आता है। तो ऐसे बहुत सारे मार्जिन है जिसमें पेज पूरा ऊपर तक भी जाएगा, पूरा नीचे तक भी जाएगा, लेफ्ट साइड भी पूरी फिल हो जाएगी और राइट साइड भी पूरी फिल हो जाएगी। तो पेज मार्जिन से हम जो हमारा पेज का जो एक तरह से साइज, इसको भी हम साइज़ की कैटेगरी रखते हैं कि कितनी किस तरह से कितने पेज को लेफ्ट करके लिखना है, कितना स्पेस देना है बॉटम पे, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, वो चीज़ें स्पेस वाली चीज़ें, कितना स्पेस छोड़ के टाइप करना है, वो हमारी मार्जिन में आती है। तो कहा क्या इसने, पेज मार्जिन इज ए ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस यानी कि खाली जगह अराउंड द टेक्स्ट ऑन ए प्रिंटेड पेज, जहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा है उसके चारों तरफ जो खाली जगह बचती है, स्पेस बचता है, उसको पेज मार्जिन बोलते हैं। दे आर द फोर मार्जिन ऑन ए पेज, तो यहाँ पर फोर टाइप के मार्जिन है पेज पर, जैसे आपका दिया है टॉप ऊपर से, बॉटम, ये टॉप होता है हमारा और ये बॉटम, यानी कि नीचे से कितना साइज़ छोड़ना है हमें, उसके बाद है हमारा लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट में से कितना छोड़ना है और राइट से कितना स्पेस हमें रखना है। तो ये सब हमारा पेज मार्जिन में आता है। इफ़ वी सेट द लेफ्ट मार्जिन बाय 1 इंच, अगर हमने लेफ्ट मार्जिन को 1 इंच पे सेट कर दिया है
देयर विल बी गैप ऑफ 1 inch इन बिटवीन लेफ्ट अलाइन पैराग्राफ। तो ये जितनी भी लाइन्स लगेगा लेफ्ट साइड से 1 inch स्पेस छोड़कर लिखेगा, पूरे का पूरा पैराग्राफ 1 inch छोड़कर चला जाएगा हर लाइन में। वर्ड प्रोवाइड द वेरियस ऑप्शन टू सेट पेज मार्जिन इन ए डॉक्यूमेंट्स। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है अपने मार्जिन को सेट करने के लिए। पेज का मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सेट पेज मार्जिन इन ए डॉक्यूमेंट्स, तो अगर हमें पेज मार्जिन सेट करना है डॉक्यूमेंट्स में तो कैसे करेंगे देख लीजिए। स्टेप 1 दिया है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। तो हम पेज लेआउट टैब में जाएंगे दोबारा से, फिर अब तक हम पेज लेआउट टैब में ही जा रहे थे, इसके लिए भी हम पेज लेआउट टैब में ही जाएंगे। क्लिक ऑन मार्जिन, तो मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पर दिखाया भी गया है बुक में। इन द पेज सेटअप ग्रुप सेलेक्ट एन ऑप्शन, तो नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जब आप मार्जिन पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले दिया नॉर्मल, ठीक है, जो कंप्यूटर ले के रखता है ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट साइज होता है इसका, अपने आप से ले लेता है, पहले से पहले नॉर्मल ही रखता है। उसके बाद नैरो दिया है, मॉडरेट दिया है, वाइड दिया है और मिरर रोल दिया है। तो 3 से 4 ऑप्शन इसने दिए हैं, प्रैक्टिकली दिखाई भी आया है, नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है अभी इसमें लाइनिंग ड्रा है कुछ, तो आप देख सकते हैं जैसा इसने दिया है। इसके पास बुक नहीं है, उसकी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। अल्टरनेटली यू कैन आल्सो यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का यूज करके इन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो नीचे क्या क्या है, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब टू ओपन ए पेज सेटिंग ऑप्शन। अगर आप पेज लेआउट टैब में जाते हैं तो पेज सेटिंग ऑप्शन खोल सकते हैं। स्टेप 2, क्लिक लॉन्चर बटन ऑफ द पेज सेटअप ग्रुप टू ओपन द पेज डायलॉग बॉक्स। अगर आप टैब में नहीं जाना चाहते हैं, देखिए पेज लेआउट टैब में जाकर के आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक कर दीजिए अपने पेज पर, पेज सेटअप ग्रुप का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करिए, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। बुक में दिया गया है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। इस पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आपको एक साथ 3 ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे भाई? पेज मार्जिन, पेज का साइज, पेज का ओरिएंटेशन, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको पेज लेआउट टैब में, तो अलग अलग ऑप्शन है, आपको अलग अलग बार बार जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप राइट क्लिक कर देते हैं पेज सेटअप, राइट क्लिक करते ही एक मेन्यू खुल के आती है, शॉर्टकट मेन्यू, उसमें पेज सेटअप ग्रुप का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा जो बुक में दिखाया गया है। उस डायलॉग बॉक्स में आपको पेज मार्जिन भी मिलेगा, ऊपर दिया है इसने, ठीक है भाई, इसमें देख रहे हैं बच्चे, तो जिसको दिखाई दे रहा है इसमें वो मिलेगा आपका। पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा, पेज का साइज हमें कितना रखना है वो मिलेगा, लेफ्ट बॉटम को आप मैन्युअली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक ही बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप इसका यूज़ करके भी अपने पेज की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे क्या दिया है, पेज बॉर्डर, हेडिंग क्या दिया है, पेज बॉर्डर। अगर हमें अपने पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है तो ये ऑप्शन हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है, वर्ड आपको इसकी फैसिलिटी देता है। बॉर्डर से मतलब है कुछ भी लगा देते हैं चारों तरफ, डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे ड्राइंग शीट करते थे पहले, 7th-8th में की भी होगी आपने, तो इस तरह से इसमें डिज़ाइन इसके चारों तरफ आ जाता है। पेज बॉर्डर में बहुत सारे डिज़ाइन है कंप्यूटर में, तो चलिए पढ़ लेते हैं कैसे हम पेज बॉर्डर लगाएंगे। पेज बॉर्डर इज अ बाउंड्री अराउंड द पेज इन ए डॉक्यूमेंट्स। पेज बॉर्डर बाउंड्री होती है पेज की, जो पेज के चारों तरफ लगी रहती है। टू ऐड ए पेज बॉर्डर टू ए पेज, अगर हमें पेज बॉर्डर ऐड करना हो पेज पे तो क्या करना है, स्टेप 1 दिया है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना है, दूसरी कोई टैब तो यहाँ नहीं यूज हुई है भैया अब तक, सिर्फ एक ही टैब चल रही है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो आपको होनी नहीं चाहिए समझने में। स्टेप 2 दिया है, क्लिक ऑन पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर का ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप द पेज बॉर्डर एंड सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन, तो उसमें दो चीज़ें एक साथ खुलेंगी, पेज बॉर्डर और पेज सेटिंग। चूज द स्टाइल कलर एंड वाइड फॉर द बॉर्डर्स, तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल, कोई भी कलर, कोई भी वाइड एंगल यानी कि लाइन से अगर बॉर्डर बनाना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके बटन और सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे,
जैसा कि पेज नंबर 86 पे दिखाया भी गया है। पेज नंबर 86 टर्न करेंगे जिसके पास बुक है, और मैं इन बच्चों को भी दिखाना चाहूँगा जिनके पास नहीं है। ये हमारा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है पेज बॉर्डर का, इतने सारे पेज बॉर्डर अवेलेबल है, इसने लिया और ये पेज बॉर्डर इधर दिया गया है, ठीक है। अलग से इसके चारों तरफ बॉर्डर बन गया। ये नहीं कि इसमें इस तरह का सिंपल आ जाता है, इसमें आप इसके चारों तरफ ट्री भी लगा सकते हैं। खड़ा हो जा, तो भी खड़ा हो जा नहीं, हाँ चलो बाहर चले जाओ, मैं तप्पड़ मार के भेजूंगा फिर, ये तो निकलो, खड़ा है। जितनी बातें करनी है आराम से करना। आप इसके चारों तरफ ट्री लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, आइसक्रीम, कैंडल, इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके लैंडस्केप डिज़ाइन होते हैं लेकिन वगैरह के, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप पेज बॉर्डर में ज़रूरी नहीं कि सिंपल ही लाइन लगाएंगे जैसे बुक वाले ने दिखाया। मैंने अभी बताया कि ट्री, चॉकलेट्स, कैंडल, फ्लावर्स, बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं, वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, कॉलम फॉर्मेटिंग, हेडिंग दिया है नेक्स्ट हमारा कॉलम फॉर्मेटिंग। हैव यू एवर नोटिस ए न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर को नोटिस किया है? बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, जो कुछ नहीं पढ़ते हैं कुछ पढ़ते भी हैं, वैसे सभी पढ़ते हैं अधिकतर। इट इज़ प्रिंटेड इन द मल्टीपल कॉलम, आपने इसको प्रिंट होते देखा है कि जगह जगह बहुत सारे पैराग्राफ बने रहते हैं, एक ही पेज पर बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स होते हैं, तो उनको कॉलम्स बोला गया है इसने। वर्ड आल्सो हैव द फीचर्स टू फॉर्मेट वर्ड टेक्स्ट इन कॉलम, वर्ड आपको फीचर्स देता है कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई, जैसे ये पेज हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई, ये हमारा एरिया है जो हाईलाइट किया है मैंने, दिखाई दे रहा है सबको, इसके मुझे 3 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो एक कॉलम्स को मैं यहाँ बना लूँगा, यहाँ पर, और ये तीसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। न्यूज़पेपर में ऐसा होता है, नहीं होता है, 5 से 6-7 कॉलम होते हैं एक साथ, इतनी सी खबर कहीं लिखी हुई है, इतनी सी कहीं लिखी रहती है, और इतनी सी कहीं लिखी रहती है, अलग अलग कॉलम बने रहते हैं ना, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, पिक्चर भी, ठीक है, और पिक्चर्स भी लगी रहती है। तो इस तरह की फैसिलिटी आपको वर्ड भी देता है। अगर आप अपने टेक्स्ट को, सपोज दैट आपने स्लिप बनाई है अपनी क्लास के लिए, जिसमें आपने लिखा है नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, आपने यहाँ बनाई है वो, उसके नीचे लिखा, फिर यहाँ पर ऐसे सेम बना दी, तो एक पेज पर कितनी आ गई है, 5 से 6 आ जाती है एक ही पेज पर। और जब आप उसको काटोगे, अलग अलग करोगे, तो एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी एक ही फॉर्मेट में रहती है, कट जाती है या नहीं। तो आपको फैसिलिटी देता है वर्ड भी, अपने पेज को आप कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। कैसे करेंगे डिवाइड, सेलेक्ट द फॉर्मेट टेक्स्ट इन कॉलम, अगर आपने पहले से ही लिख दिया है और उसको आप कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे हम। स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ टू बी फॉर्मेटेड इन कॉलम, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने लिखा है, अगर आपने पहले से ही लिख दिया तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद करना क्या है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, घूम फिर के फिर पेज लेआउट टैब पे ही जाना है, सारी कमांड हमारी इस चैप्टर की पेज लेआउट टैब से शुरू होती है। उसके बाद स्टेप 3 दिया है, क्लिक ऑन कॉलम इन द पेज सेटअप ग्रुप, और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम का, उस पर क्लिक कर देना है। सेट द नंबर ऑफ कॉलम बाय चूजिंग एन ऑप्शन 1, 2, 3 लेफ्ट और राइट बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इन 1 कॉलम, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आराम से, 1 कॉलम में करना है, 1 में तो ऑलरेडी होता ही है एक ही पेज, 2 में करना है, या फिर आपको 3 में करना है, लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, इतने सारे ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है, पहले कॉलम ही सेट कर लीजिए, सेम ऑप्शन रहेंगे जो हमने बताया, पेज लेआउट टैब में जाना है, कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक मेन्यू खुलेगी, उसमें आपको 1, 2, 3 इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे, जितने आप कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं पेज को, उसी नंबर पर क्लिक कर देंगे, आपका पेज डिवाइड हो जाएगा। आगे दिखाया भी गया है अभी बुक में, देख सकते हैं आप, ये 2 में है
इधर थ्री में, जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास है वो आसानी से देख ही लेंगे। नेक्स्ट दिया हमारे पास हेडर और फुटर, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। ये हेडर फुटर आपकी नोटबुक में भी होता है, आपने देखा होगा आपकी नोटबुक में एक लाइन ऐसे होती है, ऊपर इतनी लाइन जगह छोड़ते, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर चैप्टर का नंबर डाल देते हैं या फिर नेम भी डाल देते हैं, कुछ बच्चे नहीं डालते हैं, यहीं से डालते हैं, लेकिन ये हेडर होता है और फुटर होता है पेज के बिल्कुल नीचे, जिसमें हम वन लाइन छोड़ कर लिखते हैं। जैसे कि आपकी बुक में भी है हेडर और फुटर, ऊपर पेज का नीचे पेज नंबर दिया है, ये फुटर ऑप्शन का यूज़ करके लगाया गया है कंप्यूटर से। जो पेज नंबर लिखा गया है नीचे, फुटर ऑप्शन का यूज़ किया गया है तब इसको लिखा गया है। और बहुत सारी ऐसी बुक होंगी आपके पास भी जिसके हर पेज पर बुक का नाम आता है, शायद कुछ ऐसी बुकें आती है कि हर पेज पे ऊपर बुक का नाम आएगा, बिल्कुल टॉप पर आता है, वो हेडर ऑप्शन का यूज़ करके उसको लिखा गया है। आप भी जब अपना डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, भाई वर्ड का काम क्या होता है, ये बुक पूरी वर्ड में ही लिखी गई है, आपके जो क्वेश्चन पेपर मैं बनाता हूँ, जो आप आते हैं आप करते हैं उन्हें, वो सारे वर्ड में ही तैयार किए जाते हैं, चाहे इसमें इमेज लगाई है मैंने, चाहे कोई मैथमेटिक्स की फिगर लगाई है या फिर कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया है, टोटल हमारा वर्ड में ही रेडी होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हेडर फुटर की बात हो रही है, हेडर में पेज के बिल्कुल टॉप पर कोई टाइटल देने के लिए, जैसे कि हमारी नोटबुक होती है, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर डाल देते हैं, चैप्टर का नाम भी लिख देते हैं, उसके बाद नीचे कुछ नोटबुक में पहले से ही प्रिंटेड होता है साइन, नीचे लिखा जाता है ना टीचर सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर, ऐसी नोटबुक आती है कुछ, वो हमारा फुटर ऑप्शन होता है। तो आप फुटर ऑप्शन का यूज़ करके पेज नंबर डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, या फिर कोई भी मैनुअली टाइप करके डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो बड़ा ही कमाल का ऑप्शन है ये, बहुत हेल्प भी करता है आपकी। यू मस्ट हैव सीन द बुक, आपने बहुत सारी ऐसी बुक देखी होगी, हैविंग द नेम ऑफ चैप्टर बींग रिपीटेड एवरी पेज, कि जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पर उसका नाम आएगा और वो बार बार रिपीटेड होता रहेगा एवरी पेज पर, हर पेज पर चैप्टर का नेम आता रहता है, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। आगे क्या दिया इसने, आगे एट द टॉप और ए बॉटम सिमिलरली यू कैन सीन हैविंग ए पेज नंबर, क्या प्रॉब्लम है, वो छेड़े ही नहीं तुझे, बेकार में टच कर रहा है, कुछ कह रही है तुझे, ऐसे ऐसे मूर्ख क्या समझेंगे, पता ही नहीं कुछ भी, तो बैठा आराम से पागल, खुलवा देते हैं कहाँ पढ़ा रहे, कहानी सारा फ्लो टूट जाता है, तुम्हें तो पढ़ना नहीं है, मतलब एक्सक्यूज देता ही रहेगा। एट द टॉप और द बॉटम, हेडर और फुटर का यूज पेज के टॉप पे लिखने के लिए और बॉटम नीचे लिखने के लिए किया जाता है। यू हैव सीन द हैविंग पेज नंबर एट द बॉटम, आपने अधिकतर देखा होगा कि बॉटम पे पेज नंबर अधिकतर आता है, और एट द टॉप एवरी पेज आल्सो देयर मैनी इमेजेस बीइंग रिपीटेड ऑन द टॉप, और जो टॉप होता है हमारा उस पर इमेजेस भी आ जाती है और रिपीटेड हर पेज पर वो रिपीट भी होती रहती है, ऑन द टॉप और एट द बॉटम एवरी पेज इन द डॉक्यूमेंट्स, या फिर कभी कभी पेज जो बॉटम होता है उस पर भी इमेज आ जाती है। दिस रिपीटेशंस ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स, आप इसमें फ़ोटो भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप केवल लिख ही सकते हैं, कोई अगर आप पिक्चर्स लगाना चाहें तो पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, इमेज लगाना चाहे इमेज भी लगा सकते हैं, हेडर में भी लगा सकते हैं और फुटर में भी लगा सकते हैं। आगे क्या दिया है इसने, और हर पेज पर लगा सकते हैं ये कह रहा है। ए हेडर इज ए प्रिंटेड इन द टॉप मार्जिन, जो हेडर होता है वो टॉप मार्जिन में आता है, हमारी सबसे ऊपर लिखा जाता है, और फुटर आप जब प्रिंटेड करेंगे ये आपको पेज के बिल्कुल नीचे मिलेगा। तो मोस्टली हेडर में चैप्टर का नाम आता है, ये फिर हर पेज पे आपने जो टाइप किया है पेज नंबर वो नीचे आता है फुटर में, समझ गए। हेडर का काम होता है पेज के टॉप पर लिखना और फुटर का काम होता है पेज के बॉटम पे लिखना नीचे। अब यूज़ कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए, इंसर्ट हेडर और फुटर, हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए हेडर एंड फुटर डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन सच एज पेज नंबर, हेडर फुटर में हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे पेज नंबर देना है, ऑथर्स नेम देना है एंड डेट, या फिर डेट एंड टाइम देना है, इतनी सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो इंसर्ट हेडर फुटर,
तो क्लिक करना है कहाँ, अगर हमें इन हेडर फुटर लेना है, इस बार हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब, ठीक है भाई, इस पर क्लिक कर देना है। फिर क्या आएगा ऑप्शन खुल के, स्टेप टू दिया है फ्रॉम द हेडर और फुटर ग्रुप, क्लिक ऑन हेडर, आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट में हेडर, हेडर से आप पेज के टॉप पर लिख पाओगे और फुटर, फुटर से पेज के बॉटम पे लिख पाएंगे। एक गैलरी अपेयर, एक गैलरी खुल के आ जाएगी जिसमें ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ब्लैंक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना, आप ब्लैंक पे मैनुअली टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा भी दो तीन फॉर्मेट आते हैं, वो सिलेक्ट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिकली करेंगे। नहीं जी, स्टेप थ्री दिया है चूज हेडर स्टाइल और फुटर स्टाइल, नाउ टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू टॉप और बॉटम ईच पेज रिपीटली, और आप सेट कर सकते हैं स्टाइल इसमें से हेडर का भी और फुटर का भी, मैनुअली टाइप कर देंगे जो बार बार आपके पेज पर रिपीट होता रहेगा। आगे क्या दिया है इसने, स्टेप फोर दिया है क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर फ्रॉम द क्लोज ग्रुप डिज़ाइन टैब, और आप क्लोज करके हेडर फुटर को क्लोज कर सकते हैं और आपका हेडर फुटर आसानी से लग जाएगा जो हमारे पेज नंबर 88 पे दिया गया है, ठीक है भाई। या फिर डबल क्लिक इन द डॉक्यूमेंट्स एरिया, कभी कभी कुछ बच्चों ने किया भी था फ्राइडे में जब लैब गए थे, कुछ बच्चों ने पेज के बिल्कुल टॉप पे क्लिक कर दिया, वो अलग से एडिट ऐसे भी हो जाता है, आपको इंसर्ट टैब में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप डायरेक्टली पेज का जो बिल्कुल टॉप होता है उस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो भी आपका हेडर फुटर आ जाएगा, फिर आप वहाँ टाइप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे इसमें। सब कुछ साइड में क्लिक कर रहे हैं, हाँ वो लेफ्ट और राइट के लिए होता है।